जम्मू संभाग के जिला पुंछ के सीमावर्ती गांव के पास बाबा लोड़ देवता मंदिर में आज एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं ने बाबा जी के दर्शन किए और लंगन का प्रसाद ग्रहण किया। ये इलाका बिल्कुल जीरो लाइन पर है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की सीमा पड़ती है। यहाँ पर एक भाईचारे की मिसाल भी देखने को मिलती है, क्योंकि इस मंदिर के आसपास रहने वाले सभी मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। ये मंदिर 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। मैं सबसे पहले मीडिया साहिबान का शुक्रगुजार हूँ, उसके अलावा भारतीय सेना का, हमारी पुलिस फोर्स का, हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ की जितनी एडमिनिस्ट्रेशन है सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे इस इलाके में यहाँ इस यात्रा को सब ने कामयाब बनाया। हम तवक्को रखते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले दौर में इस इलाके में एक जम्मू कश्मीर से नहीं, हर स्टेट से लोग आएंगे। हमारी ये तवक्को है कि हम टूरिज़्म में सबसे पहले, हमने इसका प्रोजेक्ट भेजा है इसी इलाके के लिए। जिस वक्त ये रोड नहीं बन रही थी, ये रोड मैंने थ्रू करवाई थी, लेकिन उसके अलावा मैंने इसी इलाके के लिए ये रोड, इस मंदिर का एक प्रोजेक्ट नवाड में एक PMGSI में लेके गया हूँ। मेरी उम्मीद है जब तक मैं BDC चेयरमैन रहा, मेरा भतीजा DDC रहा, हम तवक्को रखते हैं कि इस इलाके की डेवलपमेंट करेंगे, इस मंदिर साहब का बहुत बड़ा डेवलपमेंट कराने में योगदान हमारा रहेगा। रामकुंड जैसे हुआ, ये बाकी कुछ यहाँ ज्यारतें हैं उनके लिए हम तवक्को रखते हैं कि टूरिज़्म में, बिल्कुल DC साहब से मैंने 50 बार इस इलाके के लिए प्रायरिटी पर ये दिया है कि टूरिज़्म में इस इलाके को लाया जाए, क्योंकि इस इलाके की डेवलपमेंट टूरिज़्म के ज़रिए से होगी। क्योंकि देखो, जैसे माता वैष्णो देवी जी वहाँ दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं, बूढ़ा अमरनाथ जी जाते हैं, इसी तरीके से इस इलाके को भी डेवलपमेंट करके, ताकि यात्रियों के लिए हमारे यहाँ अच्छी सी डेवलपमेंट हो, हमारे यात्री आएँ उनके लिए अच्छा इंतज़ाम हो। हमारी तरफ से जो भी डेवलपमेंट के लिए यहाँ ज़रूरत हुआ, हम इंशाल्लाह देते रहेंगे। शुक्रिया। कंट्रोल सीधा हमारी नज़र यहाँ से पाकिस्तान की ओर पड़ती है। एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाकया लाहौर देवता का मकाम और वाहिद एक हिंदू मकाम, इसके चारों तरफ गिर्द व नवा में सारी 100% मुस्लिम आबादी है, और ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे का एक प्रतीक है। सारा साल यहाँ की जो मुस्लिम आबादी है वो इस टेरे की देख रेख करती है, और यहाँ पर पानी का एक चश्मा आप देखेंगे, इसके गिर्द व नवा में मीलों मील तक कोई पानी का स्रोत नहीं है। एक यहाँ पर टॉप पर के, ये भी कुदरत का एक करिश्मा है, लाहौर देवता का ये फैज़ है कि पहाड़ी की चोटी से यहाँ पानी निकलता है और फिर नीचे जाकर के लोगों की ये प्यास बुझाता है। तो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाकया ये है। दूसरी अगर हम बात करें तो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की ये अलामत है, और हमारी कुछ आबादी है हिंदू आबादी जो झलास में, पुंछ में, जम्मू और जम्मू कश्मीर से बाहर भी हमारी कुछ ब्राह्मण हमारी फैमिलीज़ हैं जिनके ये कुल देवता हैं, और वो लोग आकर के अपने बच्चों के मुंडन जो है वो हर साल इसी दिन आकर के करते हैं। यहाँ आकर के कड़ा प्रसाद लगता है, लंगर यहाँ पर लगता है, और हम देख रहे हैं कि यह बिला इम्तियाज़ मजहब और मिल्लत, रंग व नस्ल, हिंदू मुसलमान सिख बड़ी तादाद में यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। हमारे पुलिस के ऑफिसरान, पुलिस के जवान और साथ ही साथ फ़ौज के आला ऑफिसरान भी यहाँ आए हैं। हवन यज्ञ का चंद ही लम्हों में यहाँ पर जो है वो आयोजन होने जा रहा है, उसके बाद लंगर प्रसाद का यहाँ पर जो है वितरण होगा। तो 2 साल कोविड की वजह से बहुत कम हाज़िरी यहाँ पर रही है, अब हालात थोड़े ठीक हुए हैं कोविड की वजह से, तो हज़ारों की तादाद में यहाँ पर पुंछ, जम्मू कश्मीर और बैरून रियासत से ज़ायरीन आए हैं और आकर के वो अपनी अकीदत के फूल लाहौर देवता के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। पुंछ से द स्ट्रीट टाइम्स के लिए संजीव शर्मा की रिपोर्ट।